जिले भर में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की घटना से किसान परेशान हो रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलों पर भारी बारिश होने से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उज्जैन में शुक्रवार को दोपहर में अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन में शुक्रवार को दोपहर में अचानक मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए, जिसके बाद तेज हवा के साथ आंधी तूफान चलने लगे। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। देखते ही देखते पूरा शहर तरबतर हो गया। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेत में खड़ी किसानों की गेहूं की फसल खराब होने की आशंका है। ये आज अचानक से बहुत तेज बारिश के साथ में कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे हैं, तो इससे किसानों की जो भी गेहूं की फसलें थी, पहले तो फसलें इस साल बहुत कम उत्पादन दे रही है, लेकिन अचानक से तेज बारिश के कारण फसलें आधी ऊपर खेतों में आड़ी हुई हो गई है और कई दाने खिर गए हैं, क्योंकि फसलें काफ़ी पक चुकी थी। इस कारण उंडियों के दाने भी छिटके हैं और काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। किन किन क्षेत्रों में नुकसान? खाचरोद में हुआ है अधिकतर नुकसान, उसके बाद उज्जैन जिले में है, आसपास तराना है, बन्नेघर है, कई क्षेत्रों में ओले गिरने की संभावना है। साथ ही उज्जैन के पास में जवाशाह कुमार गांव है, यहां पर भी ओले की शिकायत आई है, जिस कारण से उंडी में से दाने खिर गए हैं और अब किसान अगर इसकी कटाई करेंगे तो साथ में मिट्टी भी आएगी और उससे क्या है कि समर्थन मूल्य पे जो खरीदी होगी उसमें किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। शाम को जो बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई है, उससे फसलें आड़ी पड़ गई और पूरी तरह से क्वालिटी गेहूं की ख़राब हो गई है। उसका भाव नहीं मिल पाएगा किसानों का। कहीं कहीं तो तेज़ ओलावृष्टि जहाँ हुई है वहाँ गेहूँ बाली में से खिर के नीचे भी गिर गए, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। प्याज और लहसुन में यदि एक दो दिन और यदि बारिश इस टाइप से होती रही तो खेत में सड़ाव लगने लग जाएगा और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।